तो आज हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें प्रिंसिपल निकालना रहेगा हमें। रेट होगा हमारा 16.2/3% और टाइम होगा 2 ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल निकालना होगा, जिसमें अमाउंट गिवन होगा, अमाउंट 1470। अब देखिए 16.2/3% अगर आपको रेट दिया है, तो आप देखिए रेट को लिख लीजिए फ्रैक्शन में, तो 1/6 दो साल के लिए, तो 1/6 लिख लीजिए। और देखिए 6 बढ़ रहा है 16.2/3% से, तो एक जो है ये 6 का 16.2/3% है, तो यहाँ लिखिए 6 बढ़ रहा है तो 7 हो जाएगा, 6 बढ़ रहा है तो 7 हो जाएगा, 6+1 करना है, बढ़ रहा है। अब देखिए बढ़ रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 36, और 7×7=49। देखिए पहले आपका प्रिंसिपल मान लीजिए इतनी यूनिट थी, और फिर बाद में आपका अमाउंट इतनी यूनिट हो गई, प्रिंसिपल आपकी इतनी यूनिट थी, अमाउंट इतना यूनिट जा करके हो गया, और फिर जब इन अमाउंट को प्रिंसिपल से घटाएंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका माइनस करने पर आ जाएगा 13। तो देखिए ये अमाउंट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये प्रिंसिपल है। तो अब आप निकालेंगे, देखिए 49 यूनिट जो इसका अमाउंट है वो हमें गिवन है 1470। तो एक यूनिट हो जाएगा हमारा 1470/49=30। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा हो गया, फिर प्रिंसिपल हमारा आया है 36, और एक यूनिट बराबर है 30 के, तो इनटू 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 1080 रुपीज़। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना यूनिट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 13 यूनिट है, तो 13 और एक यूनिट का मान कितना है 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आ गया 390 रुपीज़। इस मेथड से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, आप रेट को लीजिएगा, रेट को आप फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा 1/6 1/6, और दो साल के लिए निकाल रहे हैं, 3 साल का भी मैं बताऊंगा, अभी 2 साल का देखिए 6+1+1। रेट मतलब ये सक्सेसिव इंक्रीज का केस है, सक्सेसिव डिक्रीज में माइनस करना होता है, यहाँ 6 होता तो 5, लेकिन इसे सक्सेसिव इंक्रीज इसलिए कहेंगे क्योंकि दूसरे साल हमारा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है, इसलिए इसे सक्सेसिव इंक्रीज का केस कहेंगे। तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, दोनों के डिफरेंस को ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा सब यूनिट में था, और यहाँ से हमने एक यूनिट का निकाल लिया, तो हमें बस सिंपली फाइंड आउट करना रहेगा एक यूनिट का इतना, तो 36 यूनिट का कितना होगा, 13 यूनिट का कितना होगा, इससे हम सिंपली आंसर अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।